आज आज हम रेक्टिफिकेशन करेंगे, लेकिन स्टेज वन में। स्टेज वन में कोई एरर पकड़ा गया, उसकी रेक्टिफिकेशन करनी है, तो डेफिनेटली सबसे पहले क्या होगा जी, एरर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला है जी वन साइडेड एरर, दूसरा है जी टू साइडेड एरर। वन साइड मैंने बता दिया पार्शियल ओमिशन, कास्टिंग और ट्रांसपोजिशन एरर वन साइड एरर होते हैं। पोस्टिंग, प्रिंसिपल, कंप्लीट ओमिशन और कंपनसेटिंग, ये जो है ये टू साइडेड एरर होते हैं। ओके जी, वन साइडेड एरर स्टेज वन है। स्टेज वन का मतलब क्या है जी, बिफोर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पहले गलती पकड़ी गई है। वन साइडेड सिर्फ एक अकाउंट में गलती हुई है, तो सिर्फ आपने क्या करना है, एडजस्ट ओनली दैट अकाउंट, जिस अकाउंट में गलती हुई है सिर्फ उसको ठीक करो। नो नीड टू पास डबल एंट्री, डबल एंट्री पास करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस अकाउंट में कोई गलती हुई है सिर्फ उसको ठीक करो। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जी, परचेज डे बुक वॉज ओवर कास्टेड बाय 500, ठीक है जी। मतलब हमने क्या किया, 2000 इंस्टेड ऑफ 1500, मतलब हकीकत में 1500 लिखना था, आपने 2000 लिख दिया। टोटल करते वक्त आपसे गलती होगी, तो अब वो ओवरकास्ट होगी परचेज डे बुक। तो डेफिनेटली परचेज डे बुक बना रहे हैं, तो इसका मतलब परचेज डे बुक बनती है उस वक्त जब आपने उस दिन परचेज की हो। तो जिस दिन आप परचेज कर रहे हैं, डेफिनेटली वो साल का आखिरी दिन जो है ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पहले की बात हो रही है। ट्रायल बैलेंस बनते वक्त कोई परचेज रिकॉर्ड नहीं होती। वर पहली स्टेज है परचेज बुक में इशू आ गया है, तो आपने सिंपल क्या करना है, परचेज अकाउंट को 500 रुपए से क्रेडिट कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। हमने सिर्फ एक रेलेवेंट परचेज अकाउंट को हमने एडजस्ट करना है, क्रेडिट करना है और किसी को डेबिट वगैरह नहीं करना। ये पहली ट्रांजेक्शन है। दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज रिटर्न ऑफ रुपीज 2000 फ्रॉम मिस्टर अहमद वर नॉट रिकॉर्डेड इन मिस्टर अहमद अकाउंट। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कोई खास अकाउंट की बात करें ना, कि फलां अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुई, इसका मतलब है सिर्फ उसी अकाउंट में अज्यूम किया जाएगा कि वहां पे रिकॉर्ड नहीं हुई, बाकी दूसरी जगह भी सही रिकॉर्ड हुई है। ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, इसको आप लिख लें रजिस्टर में कि व्हेनेवर वी आर सेट पर्टिकुलर एंट्री हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन पर्टिकुलर अकाउंट, वी विल अज्यूम दैट एरर एग्जिस्ट ओनली इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट। सिर्फ उसी पर्टिकुलर अकाउंट में गलती है, बाकी सब जगह पे ठीक किया हुआ है। ये हमारी बेसिक अजम्पशन है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। अब यहाँ पे कह रहे हैं परचेज रिटर्न ऑफ 2000 फ्रॉम मिस्टर अहमद वर नॉट रिकॉर्डेड इन मिस्टर अहमद अकाउंट, इसका मतलब है परचेज रिटर्न अकाउंट में उसने रिकॉर्ड किया हुआ है, सिर्फ मिस्टर अहमद के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब हमें पता होना चाहिए कि परचेज रिटर्न क्रेडिट होती हैं, परचेज रिटर्न होती हैं क्रेडिट, वो क्रेडिट की होंगी मिस्टर अहमद के अकाउंट ने, मिस्टर अहमद के अकाउंट में 2000 रुपया डेबिट होना था, वो डेबिट नहीं हुआ, तो वो मिस्टर अहमद के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी क्रेडिट किया हुआ है। ये एरर जो है, ये है जी पार्शियल ओमिशन और ये है जी आपकी क्या कहते हैं कास्टिंग एरर। ये जो एरर था आपका कौन सा एरर था, कास्टिंग एरर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, तीसरी एग्जाम्पल लेते हैं जी, सेल्स टू मिस्टर अली ऑफ रुपीज 4000 has been recorded as 400 in his account. अब यहाँ पे भी ये याद रखिएगा कि 4000 रुपए की सेल की थी तो उसके अकाउंट में 400 रुपए से रिकॉर्ड हुई हैं, तो इसका मतलब है सिर्फ उसके अकाउंट में 400 रुपए से रिकॉर्ड हुई हैं, सेल अकाउंट में से ही क्रेडिट हुई होंगी, ठीक है जी। मतलब सेल्स आपने 4000 से ही क्रेडिट की है, लेकिन मिस्टर अली के अकाउंट को आपने 4000 से डेबिट करने की बजाय सिर्फ 400 से डेबिट किया है। अब इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, सिंपल है, मिस्टर अली के अकाउंट को 3600 रुपए से, 4000 में से 400 माइनस के 3600 से मजीद डेबिट कर दें, बस और कुछ नहीं करना, सेल ऑलरेडी ठीक रिकॉर्ड हुई पड़ी है, ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन एरर, ये ट्रांसपोजिशन एरर है कि अगर अमाउंट आगे, एक अकाउंट में अमाउंट आगे पीछे हो जाना, उसको हम ट्रांसपोजिशन एरर कहते हैं। हाँ, लेकिन अगर ट्रांसपोजिशन एरर दोनों जगह पे गलत हो गया है, सेल के अकाउंट में भी 400 है और मिस्टर अली के अकाउंट में भी 400 है, तो वन साइडेड एरर नहीं है, वो टू साइडेड एरर होता है, ठीक है जी। तो ये वन साइडेड एरर है, बिफोर क्लोजिंग द बुक्स उसको कैसे ठीक करेंगे आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब टू साइडेड एरर का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। टू साइडेड एरर में आपने याद रखना है इसके तीन स्टेप्स है। नंबर वन, पास रॉन्ग एंट्री विच इज एक्चुअली रिकॉर्डेड, ठीक है जी, वो एंट्री आप पास करेंगे सबसे पहले जो गलती से रिकॉर्ड हो चुकी है। नंबर टू,
pass correct entry which should have been recorded. जो होनी चाहिए थी वो जो पहले पास की है वो इन दोनों को रिकॉर्ड करेंगे. तीसरा पास रेक्टिफाइंग एंट्री, क्लियर. उन दोनों को सामने रखते हुए जो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको उसको हम कहेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री. ये तीन काम आपने करने हैं. किस सूरत में? जब टू साइडेड एरर होगा. एग्जांपल देख लेते हैं जी हम इसकी. परचेज ऑफ ए मशीन ऑफ रुपीज 100,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज. मशीन 1,00,000 रुपए की ली थी, वो रॉन्गली डेबिट हो गई है परचेज अकाउंट में. तो इसमें सबसे पहले हम रॉन्ग एंट्री पास करेंगे, फिर करेक्ट एंट्री पास करेंगे और फिर रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे. रॉन्ग एंट्री जो उसने पास की है वो क्या है जी? परचेज डेबिट और पेएबल क्रेडिट. सिम अज्यूम कर लेते हैं ये क्रेडिट पे ली. तो परचेज 1,00,000 रुपए से डेबिट और पेएबल 1,00,000 रुपए से क्रेडिट. करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी? मशीन डेबिट पेएबल क्रेडिट एंट्री ये होनी चाहिए थी 1,00,000 रुपए से. अब देखो परचेज अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, उसकी जगह मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था. पेएबल क्रेडिट हुआ, पेएबल क्रेडिट होना चाहिए था. पेएबल अकाउंट में कोई मसला नहीं, ये क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हो चुका है, इसको कुछ नहीं करेंगे. अब परचेज अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, इसको तो पहले करेंगे क्रेडिट. परचेज अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट तो परचेज अकाउंट ठीक हो जाएगा. मशीन अकाउंट डेबिट ही नहीं हुआ तो अब मशीन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 1,00,000 रुपए से. तो ये हमारी हो जाएगी रेक्टिफाइंग एंट्री. इसके नंबर हैं. इन दो के बगैर रेक्टिफाइंग चूंकि नॉर्मली हो नहीं सकती. कुछ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ से नहीं होती. तो उनके लिए आपने याद रखना है रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री पास कर लेंगे तो आपके पास रेक्टिफाइंग एंट्री अब क्लियर हो जाएगी. ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. ये एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है जी, इसको आप क्लियर कर लें. अच्छा जी अगली हम देख लेते हैं जी. सेल्स टू मिस्टर ए वर कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000. ओके जी, इसमें रॉन्ग एंट्री तो कोई नहीं होगी डेफिनेटली, क्योंकि रॉन्ग एंट्री पास ही कोई नहीं हुई तो रॉन्ग एंट्री होनी कहां से. तो जो करेक्ट एंट्री होगी वही आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, ठीक हो जी. करेक्ट एंट्री क्या होगी यहाँ पे? मिस्टर ए ने डेबिट होना है और सेल ने क्रेडिट होना है. ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी क्योंकि रॉन्ग एंट्री तो कोई है ही नहीं. तो आप इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड करेक्ट एंट्री पास करने में सीधी सीधी रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दें तो भी काम चल जाएगा. ये भी टू साइडेड एरर है, इसे कहते हैं कंप्लीट ओमिशन, ठीक हो जी. अगली एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगली एंट्री देखें, रुपीज 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बशीर हैज बीन एंटर्ड एज 3,000 इन दी बुक्स. अच्छा जी, 5,000 का रिसीव हुआ था, 3,000 रिकॉर्ड हुआ इन बुक्स. अब उसने ये नहीं बताया कि मिस्टर बी बशीर के अकाउंट में या कैश के अकाउंट में. जब उसने इन बुक्स कह दी, इसका मतलब है मेरा ख्याल है कि दोनों में ही जो है वो 3,000 रुपये से रिकॉर्ड हुआ. पूरी एंट्री ही जो है रिकॉर्ड हुई गलत. तो इसमें पहले रॉन्ग देख लेते हैं. कैश टू बशीर, उसने रॉन्ग एंट्री जो पास किया वो 3,000 कैश डेबिट किया और बशीर को 3,000 से क्रेडिट किया. होना चाहिए था कैश बशीर 5,000 रुपये से. तो कैश 3,000 से डेबिट किया हुआ है, 5,000 से करना था, तो जितना डिफरेंस बच गया पीछे 2,000 रुपये से डेबिट करेंगे, 2,000 रुपये से क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी. रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री. तो ये है जी कास्टिंग एरर. ये लेकिन दोनों बुक्स में बेसिकली एरर हो रहा है. हम इसको पोस्टिंग एरर भी कह सकते हैं, कास्टिंग एरर भी कह सकते हैं, पर ये टू साइड एरर है तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है जी. होपफुली आपको स्टेज वन आज क्लियर होगी होगी कि स्टेज वन में अगर फोर ट्रायल्स बनने से पहले के अगर एरर हैं तो इस तरह से हम उनको ठीक करेंगे. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़.